नमस्कार दोस्तों, आज हम यात्रा कर रहे हैं जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एंड टू एंड जर्नी होने वाली है हमारी जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस में, जिसका गाड़ी नंबर है 12992। गाड़ी में हमारे लगा हुआ है गाज़ियाबाद का वेब 5 लोकोमोटिव हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ, क्योंकि हमारा ये जो आगे का सेक्शन है पूरा हाई राइज सेक्शन होने वाला है, जिसमें हम जयपुर के बाद फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर से हम घूम जाएंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ, जहाँ से हम जो है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ होते हुए जाएंगे उदयपुर तक। हमारी ये यात्रा पूरी करेंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल। ये यात्रा मैंने की है मॉनसून के दिनों में, तो मॉनसून की आपको यहाँ बेहद अच्छी अच्छी सीनरीज आपको देखने मिलेगी। ये जो पूरा ही अजमेर उदयपुर रूट है काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरीज से भरा हुआ है। जैसे जैसे शाम होएगी तो स्टेशन पे आते आते, उदयपुर आते आते बीच में हमको बारिश भी देखने के लिए मिलेगी बीच के स्टेशन में। साथ ही हम मावली जंक्शन पर देखेंगे मीटर गेज ट्रेनों की एक छोटी सी झलक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा को। तो गाड़ी में लगा हुआ है 30010 गाज़ियाबाद का वेब 5, जो कि पहली उन कुछ यूनिट्स में से है जो कि स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट की गई थी। तो गाड़ी में आज हमारे स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट किया हुआ इंजन लगा हुआ है। तो पेंटोग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो सामने हमारा जो पेंटोग्राफ है वो अब हाई राइज पोजीशन में जा चुका है, और यहाँ हम मात्र 36 किलोमीटर की दूरी के बाद पहले स्टॉप पे आ चुके हैं, जिसका नाम है आसलपुर जॉबनेर। तो अभी हमारी ट्रेन फुलेरा जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। यहाँ से जो है चार लाइन अलग होके जाती है, एक लाइन से जहाँ से हम आए हैं जयपुर से, दूसरी लाइन जिस पे हम जा रहे हैं अजमेर, तीसरी लाइन यहाँ से कट जाती है जोधपुर की तरफ, और चौथी लाइन यहाँ से कट रही है रिंगस के लिए। और अब जो है वीडियो में आगे आपको बहुत अच्छे LHB कोच के ट्रैक साउंड्स और साथ ही में उसके फ्लैट व्हील साउंड्स आपको सुनाई देने वाले हैं। जा रहा है
चल रही बेटी चल रही बेटी चल रही एक चली चल आना है कर जाके सुनाया आराम से रात में शील्ड पानी ज़्यादा ठंडा हुआ तो मैं गर्म पानी चालू करें साबुन वगैरह भी इस्तेमाल फिर फोन करूँगा घर पहुँच जाएगा गोटी वेब 7
पे गई है कि हाँ अच्छा सही गई है शताब्दी का प्लेटफॉर्म उतरना तो अभी रास्ते में आपने देखा होगा DFC जो कि हमारी ट्रैक के बिल्कुल पैरेलल चलता है। बाकी गाड़ी अभी हमारी आ चुकी है अजमेर में, जहाँ पे जो है रश काफ़ी अच्छा ट्रेन से उतरा भी था तो कुछ रश है वो ट्रेन में छड़ा भी था। बाकी ट्रेन है हमारी इंटरसिटी टाइप की, सेकंड सिटिंग के इसमें कोचेज होते हैं जो कि अंदर से पूरे ओपन होते हैं, तो रश की वजह से ज़्यादा कुछ वैसे अजमेर में मैं रिकॉर्ड कर तो नहीं पाया। बाकी यहाँ से हम अब घूमने वाले हैं चित्तौड़गढ़ वाली लाइन पर। जामुन में समोसा जैसी खुशबू क्यों आ रही है? समोसे वाला भी गया है साथ में।
Thank you.
अगर आपको जर्नी व्लॉग बनाना है तो इंटरसिटी ट्रेनों में यही दिक्कत रहती है कि एक तो इसके सेकंड सीटिंग कोचेस जो कि अंदर से पूरे ओपन होते हैं, दूसरी इंटरसिटी है तो आपको लोगों का रश यहाँ हमेशा देखने के लिए मिलता है। देख सकते हो भीलवाड़ा पे कितना रश है ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए। दीपिका को जमा दिया
तो गाड़ी अब आ चुकी है हमारे चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे और पहले पार्ट का हम यहीं एंड करते हैं। अगले पार्ट को हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे अभी हमारी गाड़ी का लोको रिवर्सल होने वाला है। अभी जो मैंने लाइनें आपको उदयपुर से आते हुए दिखाई, हम उसी लाइन पे मुड़ने वाले हैं। इंजन हमारा ट्रेन के आगे से हटा के पीछे की साइड लगाया जाएगा और पार्ट टू के अंदर हम मॉनसून के ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे सीन्स देखने वाले हैं, रास्ते में साथ में बारिश भी होगी। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा बता देना ज़रूर। पार्ट टू की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर से देख लेना। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं पार्ट टू के अंदर।